तलवार लेकर दुकान में घुसने वाले दो आरोपियों को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने दुकान से लूटा 3,20,000 का मुद्देमाल भी जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी ओम प्रकाश दुग्धी ये तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आया और कहा कि सुबह उसकी दुकान पर तलवार लेकर दो आरोपी आए और 3,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी गौतम रामटेके और आरोपी अशोक पाटिल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। फिरियादी ओम प्रकाश पुरकाराम दुग्डी वय 43 वर्ष मैनेजर गिरनार एस्कॉर्ट सर्विस गांधीबाग यांनी काल 10:30 येऊन पोलीस स्टेशनला तोंडी माहिती दिली कि ते सकाळी 9:30 ऑफिसमध्ये आले होते आणि दैनंदिन कामकाज करत असताना दोन युवक हातात तलवार घेऊन आले आणि त्यांच्याकडील 3,20,000 रुपयाचे कॅश घेऊन पळाले। सदरची माहिती मिळताच आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त माननीय पोलीस उपायुक्त धोंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर प्रकरणाचा तपास केला। आमच्या अधीनस्थ तपास पथक API संदीप बाबू ASI दुबे यांचे पथकाने 12 तासाच्या आत यातील आरोपी गौतम भीमराव राऊत गौतम भीमराव रामटेके व 35 वर्ष राहणार धावणे मोल्ला बगडगण तसेच अशोक किसन पाटील व 43 वर्ष राहणार गौतम नगर बेजनबाग PH जरीपटका यांना मुद्देमालासह अटक केलेली आहे आणि या गुन्ह्यात वापरलेले हत्यारसुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे। पुढील तपास सुरू आहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3,20,000 रुपए का मुद्देमाल सहित हथियार जब्त किए। वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।